नमस्कार, आप देख रहे हैं द नेशनल टीवी। मैं हूं आपके साथ वंशिका चौहान। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबरों के साथ। टोक्यो ओलंपिक्स 2020 डे 3, भवानी देवी का सफर समाप्त। टेबल टेनिस में सुतीर्था मुखर्जी की करारी हार। आज टोक्यो ओलंपिक 2020 का तीसरा दिन है। भारतीय तलवारबाज भवानी देवी अपने दूसरे मैच में फ्रांस की मैनन ब्रूनेट के हाथों हार कर टोक्यो ओलंपिक से बाहर हो गई है। कारगिल विजय दिवस, राष्ट्रपति आज जाएंगे कश्मीर। पीएम बोले, जवानों की वीरता हमें हर दिन प्रेरणा देती है। भारतीय सेना ने कारगिल की बर्फीली पहाड़ियों पर करीब 3 महीने चले युद्ध के बाद 26 जुलाई 1999 को ऑपरेशन विजय सफलतापूर्वक पूरा होने और जीत की घोषणा की थी। दिल्ली मेट्रो की सेवाएं हल्के झटके की वजह से हुई प्रभावित। मेट्रो स्टेशन से बाहर लंबी कतारें। दिल्ली मेट्रो के ज्यादातर रेलवे स्टेशनों के बाहर आज सुबह लंबी कतारें देखी गई। कई रेलवे स्टेशन पर काफी देर तक यात्रियों की एंट्री भी रोकी गई थी। रेलवे स्टेशन से 9 संदिग्ध रोहिंग्या गिरफ्तार, बोले जा रहे हैं कश्मीर। ये सभी बदरपुर रेलवे स्टेशन पर अगरतला देवधर एक्सप्रेस में सवार हुए थे और इनका कहना था कि ये सभी कश्मीर जा रहे हैं। महाराष्ट्र पर भारी मानसून सीजन, अब तक 228 लोगों की मौत, 100 लापता। इस मानसून सीजन के दौरान महाराष्ट्र में 1 जून से अब तक 228 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 100 लोग लापता हैं। महाराष्ट्र की बाढ़, भारी बारिश रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। हिमाचल प्रदेश, भूस्खलन की चपेट में आए 9 पर्यटकों की मौत। पीएम मोदी ने किया मुआवजे का ऐलान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन्नौर की दुर्घटना में जान गंवाने वाले के परिजनों को पीएम आनरएफ की ओर से 2-2 लाख रुपए का अनुग्रह राशि देने का ऐलान किया है। अफगानिस्तान में घुसी पाकिस्तानी सेना, तालिबानी लड़ाकों के साथ वीडियो में दिखाई गई। अपने नापाक इरादों के लिए बदनाम पाकिस्तान पर अफगानिस्तान में तालिबान की मदद करने का आरोप तो लग ही रहा था, लेकिन अब इन आरोपों को पुख्ता करने वाले सबूत भी मिलने लगे हैं। राजस्थान, मंत्रिमंडल विस्तार में फंसा पेंच। जानिए पायलट, गहलोत और कांग्रेस आलाकमान क्या चाहते हैं। राजस्थान कांग्रेस में सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच की तकरार जग जाहिर है। अब राजस्थान सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार के समय भी दोनों नेताओं के बीच की खींचतान बाहर आ गई है, लेकिन यहां कांग्रेस अलाकमन एक्टिव हो गया है। सिक्किम के गैंगटॉक में महसूस हुए भूकंप के झटके। सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक में रविवार रात 8:39 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। श्रीलंका वर्सेस इंडिया फर्स्ट T20 आए। सूर्य कुमार और भुवी भारत की जीत में चमके। श्रीलंका को 38 रनों से हराकर सीरीज में बनाई 1-0 की बढ़त। भारत ने मेजबान श्रीलंका को पहले T20 मुकाबले में 38 रनों से हराकर 3 मैच की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। प्रधानमंत्री मोदी ने अड़चनों को दूर कर पूर्वोत्तर में विकास की शुरुआत की है, अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी बाधाओं को दूर कर दिया है और पूर्वोत्तर को शांति और विकास के रास्ते पर आगे ले गए हैं। किसान आंदोलन के 8 महीने पूरे होने पर सोमवार को होगा महिला किसान संसद का आयोजन। संयुक्त किसान मोर्चा ने रविवार को घोषणा की है कि 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के 8 महीने पूरे होने के अवसर पर महिलाएं सोमवार को जंतर मंतर पर किसान संसद का आयोजन करेंगी। इंडिया वर्सेस श्रीलंका फर्स्ट T20 डेब्यू मैच में पहली गेंद पर आउट हुए पृथ्वी शॉ, बनाया अनचाहा रिकॉर्ड। भारत के लिए T20 अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू मैच में गोल्डन डक पर आउट होने वाले शॉ दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। शेरशाह ट्रेलर, 2:55 के ट्रेलर में कैप्टन विक्रम बत्रा के रोल में छा गए सिद्धार्थ मल्होत्रा। मच अवेटेड फिल्म शेरशाह का ट्रेलर रिलीज हो गया है। संजू सैमसन ने लगाया गगनचुंबी छक्का, अंपायर समेत दंग हुए श्रीलंकाई खिलाड़ी, देखिए वीडियो। संजू सैमसन ने श्रीलंका के खिलाफ पहले T20 मुकाबले में 27 रन की छोटी मगर अहम पारी खेली है। इस पारी के दौरान उन्होंने 2 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का भी लगाया। वर्ल्ड कैडेट चैंपियनशिप, प्रिया मलिक ने जीता गोल्ड मेडल, बॉलीवुड सितारों ने दी बधाई। विश्व कैडेट चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान प्रिया मलिक ने गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है। प्रिया के गोल्ड मेडल अपने नाम करते ही सोशल मीडिया पर बधाइयों का तांता लग गया है। धाकड़ फिल्म के लिए जमकर तैयारियां कर रही हैं कंगना रनौत। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने आगामी फिल्म धाकड़ के लिए अपनी एक्शन अभ्यास की एक झलक साझा की है। कोरोना अभी गया नहीं है, सभी दिशा निर्देशों का पालन करते रहना है, पीएम मोदी। प्रधानमंत्री ने कहा, पर्व और उत्सवों के समय पर जरूर याद रखिएगा कि कोरोना अभी हमारे बीच से गया नहीं है। कोरोना से जुड़े प्रोटोकॉल अभी आपको भूलने नहीं है। आप स्वस्थ और प्रसन्न रहें।
12 से 17 साल के बच्चों को दी जाएगी कोरोना वैक्सीन। यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी ने मॉडर्ना को मंजूरी दी। यूरोपीय मेडिसिन एजेंसी ने 12 से 17 साल की उम्र के बच्चों के लिए मॉडर्ना कंपनी के कोविड वैक्सीन को मंजूरी देने का निर्णय लिया है। यह पहली बार है कि वैक्सीन को 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए अनुमति मिली है। इस्तीफे के सवाल पर बोले येदुरप्पा, अगर शाम तक आया मैसेज तो आपको बताता हूँ। कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उन्हें पहले ही इस्तीफा देने के लिए राजी कर चुका है। अब खुद येदुरप्पा सिर्फ शीर्ष नेतृत्व के इशारे का इंतजार कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द नेशनल टीवी, वंशिका चौहान के साथ।